पतंजलि योग समिति सामनेर व मातोश्री वृद्धाश्रम सोनपुर आदासा के संयुक्त प्रयास से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मातोश्री वृद्धाश्रम सोनपुर आदासा में रंगों का त्योहार होली पावन पर्व पर 16 मार्च से 18 मार्च तक 3 दिवसीय योग उत्सव का आयोजन किया गया। 18 मार्च के योग सत्र का संचालन वरिष्ठ योग शिक्षक किशोर ढुंडले द्वारा उर्मिला ताई जुवारकर, जिला प्रभारी महिला पतंजलि पंकज बांती, निखिल भूते उपस्थिति में संपन्न हुआ। योग सत्र के पश्चात शोभा भागिया, महाराष्ट्र पूर्व महिला प्रभारी उर्मिला जुवारकर, नागपुर जिला महिला प्रभारी तथा मातोश्री वृद्धाश्रम आदासा के व्यवस्थापक प्रदीप चंदन बटवे आदि मान्यवरों का उनके सामाजिक कार्य में योगदान हेतु शाल श्रीफल पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस सर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी मान्यवरों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अपने परिवारों से दूर इन पिता तुल्यों के चेहरे पर जो उत्साह है वह इन रंग बिरंगे रंगों से परे है और इनकी सेवा करने का अवसर हमें ऐसे ही आयोजनों में प्राप्त होता है जिससे इनका आरोग्य स्वस्थ रहकर यह रंगोत्सव इनके जीवन में सदैव बना रहे, ऐसे विचार व्यक्त किए। दिनांक 18 मार्च 2022 को धूलिवंदन के पावन पर्व पर सभी मान्यवरों की उपस्थिति में रंग उत्सव मनाया गया जिसमें वरिष्ठ योग शिक्षक राजेंद्र जुवारकर, पंकज बांते, निखिल भूते, नरेश पाटिल, चारुलता पाटिल, सचिन लीडर आदि पदाधिकारियों के साथ सावनेर मातोश्री वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक व वृद्ध आश्रम वासी पदाधिकारी, योग शिक्षक, सहयोग शिक्षक सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहकर आयोजन का लाभ उठाया। इस रंग उत्सव के विशेष आयोजन के सफलतार्थ महिला पतंजलि योग समिति तालुका सावनेर की लता ढवे, सुनीता पाल, सीमा धांडे, स्मिता जैन, वंदना इंगे, सीमा बल्लारे, रंजना सोनावने, ललिता वानखेड़े, आकाश कड़ू, पराग जुवारकर, रेखा भुसारी, राजू कारबांडे, विनोद काळे, पवन सायरे, आशा ढुंडेले, लक्ष्मण काळे, रंगराव ठाकरे, प्रतीक करंडे, सुमित चौधरी, मोहनेन्द्र चौधरी आदि ने पुरुषार्थ किया। वही मातोश्री वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक प्रदीप चंदन बटवे तथा सभी कर्मचारियों ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में तथा उपस्थित सभी मान्यवरों की चलपान की उचित व्यवस्था की। मातोश्री वृद्धावन में आयोजित इस रंगोत्सव में उपस्थित मान्यवर तथा वृद्धाश्रम वासियों ने गीत गायन, शेर शायरी तथा सामूहिक नृत्य आदि के साथ वृद्धाश्रम वासियों का उत्साह वर्धन कर उन्हें रंग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सावनेर तालुका की मीडिया टीम ने उपस्थित रहकर सभी को उत्साहित किया जिसमें पीयूष जिंजुवाड़िया, सूरज सेलकर, शुभम ढवे, रवीना श्यामकुए, दिनेश सौरसिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर रंगोत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य योग शिक्षक किशोर ढुंडेले ने तो प्रास्ताविक मातोश्री वृद्धाश्रम के प्रदीप चंदन बटने ने तो आभार नागपुर जिला मराठी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष अमरचंद जैन ने माना।